चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नरसिंहपुर निवासी डॉक्टर राजेश धनजी भाई पाटीदार बने होलिस्टिक हीलिंग ट्रीटमेंट एवं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन HHO के गुजरात प्रेसिडेंट एवं राष्ट्रीय समन्वयक। पाटीदार पिछले 8 वर्षों से गुजरात में चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं एवं कोरोना में 50 लोगों को 3 से 5 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ करके चिकित्सा जगत में मिसाल पेश की है। डॉक्टर राजेश पेशे से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है तथा वर्तमान में हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र मेहसाणा गुजरात में कार्यरत है। साथ ही जुनून से वे वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक, आरोग्य एवं कल्याण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य सलाहकार, प्रवक्ता एवं प्रेरक के बतौर धनश्याम होलिस्टिक हेल्थ एवं वेलनेस क्लिनिक पर निर्माता एवं मुख्य चिकित्सक के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की चिकित्सा संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो आप इनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश पाटीदार का संपर्क नंबर है 8460184678 तथा ईमेल आईडी है dhanshyamclinic@gmail.com। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या टेली कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत वरसिंहपुर जो पंचायत समिति सागवाड़ा में आता है। हम आपको रूबरू करवाते हैं पाटीदार समाज के जिन्होंने गुजरात के अंदर डॉक्टर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी सेवा दी है और ये इनका उपदेश है कि भाई मैं गुजरात में सेवा दे रहा हूँ तो मैं जो है अपने क्षेत्र में भी सेवा दूँ। ये उपदेश लेके चलने वाले पाटीदार जी हमारे सामने है। पाटीदार जी, एकता समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद। सबसे पहले एकता समाचार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे एक अवसर दिया। और काफ़ी समय से हम सोच ही रहे थे कि 2-3 महीने से प्लानिंग था कि हम ये जो जुड़े एकता समाचार से और हमारी जो जानकारी है वो लोगों तक पहुँचाए, लेकिन आज हम मिले हैं तो हम बातचीत करेंगे इसके रिगार्डिंग। सर, पहले तो आपका परिचय बताइए, कहाँ के निवासी हो आप और ये ट्रेनिंग कहाँ करी आपने और आपका क्या विजन है? जी, मेरा नाम डॉक्टर राजेश डी पाटीदार है। मूलतः मैं वरसिंहपुर से हूँ, सागवाड़ा के पास में गाँव है वरसिंहपुर। और वर्तमान में मैं अपनी सेवाएं जो है वो गुजरात में दे रहा हूँ। वहाँ पे एज ए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पे मेहसाणा गुजरात के अंदर मैं अपना कार्य वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, हमें एक जो और जानकारी मिली कि आपने आप जो विजन लेके चल रहे हो देश की सेवा के साथ हमारे वागड़ में जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है ऐसे लोगों की सेवा करने का आपका एक उद्देश्य है, इसके बारे में। हमारा जो विजन है वो है स्वस्थ भारत अभियान, जिसे हम जुड़े हैं कि लोगों को समझा कर उनकी जो जीवन शैली बदल कर उनको आयुर्वेदिक दवाएं योग से बीमारियों एवं दवाओं दोनों से मुक्त कर सके या फिर उनकी जो डिपेंडेंसी है उस पर आश्रित है वो कम से कम हो, ऐसा लोगों को अवसर दे सके ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। सर बताइए, आपने शिक्षा कहाँ ग्रहण की है, क्या क्या पढ़ाई कर रखी है, इसके बारे में बताइए। मैंने उदयपुर से BSN किया था 4.5 साल का। उसके बाद मैंने 2016 में ND किया था, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी, नासिक से, महाराष्ट्र से। उसके बाद मैंने DNYS किया था, अखिल भारतीय योग संस्थान एवं नेचुरोपैथी से, दिल्ली से, 3 साल का। उसके बाद मैं इंटरनेशनल डायबिटिक एजुकेटर के लिए इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से मैंने डिप्लोमा लिया था डायबिटीज़ के लिए। और साथ ही फिर गुजरात के मतलब जो गवर्नमेंट का कोर्स निकला था ब्रिज कोर्स, जो मैंने 6 महीने से सूरत में मेडिकल कॉलेज ऑफ सूरत से किया था। और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज सूरत मैंने टॉप की थी और गुजरात में मैंने 17 रैंक हासिल की थी, 17 रैंक। और फिर मैं एज ए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी डेप्यूटेड हुआ था आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। हमारे वागड़ के प्रतिभा आपके सामने है, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, अभी सेवा दे रहे हैं गुजरात में। सर बताइए, आप अपने कामकाज के बारे में बताइए। देखो, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के अलावा भी मैं एज ए नेचुरोपैथ मेरा काम करता हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा में मैं वरिष्ठ चिकित्सक हूँ और कई सालों से लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के अंदर मैंने ये टेली कंसल्टेशन भी चालू किया ताकि लोगों को तकलीफ़ ना पड़े और घर बैठे उनको सेवाएं मिल सके। तो मैंने नॉमिनल चार्ज पे उनका दूर से ही उनका ट्रीटमेंट, उनका सारा रिपोर्ट वगैरह जाँच के, फिर कुरियर से दवाइयाँ भेज के उनका फॉलोअप लेके उन्हें बीमारी से निजात दिलाया है। तो ये टेली कंसल्टेशन का कंसेप्ट भी मैं कर रहा हूँ साथ में। संक्षिप्त में आपका परिचय बता दीजिए सर। हाँ, मैं वैसे तो मैं एलोपैथ से जुड़ा हुआ हूँ जो कि एज ए CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, पर साथ में मेरा जो पेशन है, मेरा जुनून है, उसमें मैं योग और नेचुरोपैथ मैं बिलीव करता हूँ और लोगों को
आजीवन दवाइयाँ खिलाने की बजाय मैं उन्हें दवा और बीमारियाँ दोनों से मुक्त करूँ, इस हिसाब से मैं नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और कुछ आयुर्वेद की दवाइयाँ और दिनचर्या में बदलाव ला के कैसे लोगों को कम समय में, जैसे कि 3 से 6 महीने में रोग से मुक्त करना, उस पर विश्वास करता हूँ। और लोग कम से कम दवाई खाए और तंदुरुस्त बने रहे, उनकी जो उम्र है वो लंबी बनी रहे, आरोग्यप्रद एकदम स्वस्थ, ये मैं विजन लेके चल रहा हूँ। हमें एक और जानकारी मिली कि आपको जगह जगह सम्मान भी मिला है, तो इस सम्मान के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ किस विषय में आपको सम्मान मिला है। जी सर, समय समय पर बहुत सारे सम्मान पत्र वगैरह मिले हैं, पर अभी रिसेंटली अभी हाल में ही दिल्ली के अंदर मुझे HHO मतलब होलिस्टिक हीलिंग ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो फॉरेन में ऑस्ट्रिया के अंदर है और उसका जो इंडिया का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। तो मेरा जब कंसेप्ट उन लोगों ने सोचा समझा तो उन्होंने मुझे इसका गुजरात का प्रेसिडेंट बनाया, पूरे गुजरात का प्रेसिडेंट बनाया और इंडिया का कोऑर्डिनेटर बनाया, जो काफ़ी गर्व की बात है। और मैं इस पद पे रहते हुए मेरा जो फर्ज बनता है मैं अच्छे से उसे निभाऊंगा, ऐसा मैंने खुद से मतलब प्रॉमिस किया। आपने गुजरात में सेवाएं दी है, तो बताइए कहाँ कहाँ सेवा दी आपने, क्योंकि हमें एक जानकारी मिली थी एकता समाचार के माध्यम से कि आपकी सेवाएँ बहुत ही सराहनीय है और आपने सेवाएँ दे के काफ़ी लोगों का जीवन बचाया है, जीवन जी सर दिया। सर मैंने शुरुआत जो की थी वो गुजरात के अंदर अहमदाबाद से की थी। 2013 से मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल के साथ जुड़ा था, उनके जो ICU क्रिटिकल केयर यूनिट में मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद मैंने 3 साल अपोलो के अंदर था, अपोलो का क्लिनिक था जो कि TCS के अंदर था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि जानी मानी MNC कंपनी है मल्टी लेवल नेशन की। तो उसमें 10,000 एम्प्लॉई पे मैं अपनी सेवाएं दे रहा था ऑक्यूपेशनल हेल्थ की। तो 3 साल मैंने वहाँ पे सेवाएं दी और साथ में ही मैंने गांधीनगर में मैं अपना सेटअप किया था क्लिनिक, होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस का, धनश्याम क्लिनिक। तो उसमें भी मैं 1-1.5 साल तक मैं जुड़ा रहा। उसके बाद फिर मैं ब्रिज कोर्स करने के लिए चला गया और ब्रिज कोर्स करने के बाद मैं अभी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, आयुष्मान भारत के अंदर, वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर अभी सेवाएँ दे रहा हूँ। सर अभी एक साल कोरोना का पूरा हो रहा है, लॉकडाउन में भी काफ़ी अच्छी सेवाएं आपने दी है, कोरोना में जो कोई विशेष सेवाएं आपने दी है उसके बारे में बताइए। जी सर, कोरोना में मैंने बहुत सारा नाम भी कमाया है और लोगों को बहुत सारी सेवाएं दी। कोरोना में तकरीबन 50 से 60 पेशेंट हमने बीमारी से मुक्त किए, जो कि महाराष्ट्र और राजस्थान और गुजरात के टोटल 50 से 60 पेशेंट, जिसमें ज़्यादातर पेशेंट हमने टेलीफोनिक कंसल्टेशन करके उनको दवाइयाँ कुरियर करके फिर उनको सारा समझा के हमने बीमारी से मुक्त किया, वो भी 3 से 5 दिन के 7 दिन में, जो कि बहुत ही कम बजट में वो ठीक हो गए पूर्णतया। और एक भी पेशेंट हमें ना तो रेफर करना पड़ा या कोई घबराने जैसी स्थिति किसी में भी पाई नहीं गई। तो ये मेरा बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने इसमें इतनी बड़ी महामारी में भी इतना नियंत्रण करके लोगों को लाभ पहुँचाया। सर कोरोना का वैक्सीन भी आ गया है, तो इसके बारे में आपके विचार बताइए। सर देखो, वैक्सीन कोई सॉल्यूशन नहीं है, वैक्सीन ये है कि आपका जैसे कि अगर आपका इम्यूनिटी बढ़ा हुआ हो, आपका रोग से लड़ने की क्षमता आप किसी भी तरह से अगर बढ़ा दो, जैसे योग है, प्राणायाम है, प्राकृतिक चिकित्सा है, योग आयुर्वेद से, तो फिर ना कोरोना से बल्कि आने वाली तमाम बीमारियों से आपको किसी भी बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जिस जो हो सकता है आपको कोरोना से तो बचा ले, लेकिन आने वाली ऐसी तमाम बीमारियां जिस पे बार बार अगर वैक्सीन लेने की सोचे तो ये लाइन लग सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि वैक्सीन चलो ठीक है, आप अगर नहीं कर सकते तो ले लो, बाकी इसका कायमी अगर सॉल्यूशन आपको निकालना है परमानेंट, तो वो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना, और जिस पे हमारा ज़बरदस्त काम चल रहा है कि योग प्राणायाम और आयुर्वेद की दवाइयों से इम्यूनिटी बढ़ा लो, ताकि कोई भी बीमारी आए, बीमारी चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका एक ही इलाज है, वो है इम्यूनिटी बढ़ाना, जिस पे हम ज़बरदस्त अभी काम कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को रोकथाम के लिए क्या कहते हैं? मैं यही कहूँगा कि सुबह शाम ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट आप खुद के लिए निकालो, खुद के शरीर पे काम करो, ठीक है। कामकाज तो अपना ज़िंदगी भर चलता रहता है, लेकिन जो आपका जो स्वास्थ्य है उसको कुछ टाइम दो, कुछ प्राणायाम वगैरह और कुछ एक आयुर्वेदिक दवाइयाँ हर्ब्स होती है जैसे तुलसी वगैरह, अदरक है, हल्दी, उसका सेवन करो, और ज़िंदगी के अंदर तनाव में ना रहो, इसलिए थोड़ा खुश नुमा माहौल बनाओ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, आपके रिश्तेदार के साथ बैठो और अच्छी सी नींद लो पूरी, ताकि शरीर में थकान ना रहे और कमजोरी ना रहो। अगर ऐसी व्यवस्था आप कर लो तो ना सिर्फ कोरोना बाकी तमाम वायरल बीमारियों से आप अच्छे से लड़ सकते हो बिना बीमार हुए। आप एक छोटे से गांव में पले बड़े, यहाँ पे आपने जिंदगी हमारे धनजी दादा के यहाँ पे एक जन्मे, धनजी भाई पाटीदार के यहाँ हमें जानकारी मिली, आपका छोटा सा कस्बा है और आपने इतना नाम कमाया, आज गुजरात के अंदर आपका बहुत ही बड़ा नाम चलता है, हमें एक जानकारी मिली।
आपका भविष्य को लेकर क्या योजना है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे इन सारी जो उपलब्धियां है उसमें मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा। पापा ने, मैं जब छोटा था तब से ही सपना देखा था कि उनको पढ़ा के मतलब अच्छी पोस्ट पे मैं बिठाऊं ताकि वो खुद कमा सके अच्छा और लोगों की मदद कर सके, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की। यार मुझे खुशी है, फ़ख्र है कि मैंने बहुत सारे अचीवमेंट लिए जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत उम्र निकल जाती है। और दूसरा, अब ये सब करने के बाद में मेरी जो योजना है वो ये है कि जैसे गुजरात में तो मैंने बहुत नाम भी कमाया और मेरे अचीवमेंट बहुत सारे रहे, लेकिन अब मैं मेरे वागड़ जहाँ पे मेरे जो जन्मभूमि है तो वहाँ के लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकूँ, उस पद्धति से स्वस्थ रहने की जो पद्धति है उससे जोड़ सकूँ ताकि वो भी रोग मुक्त, आरोग्यप्रद दवाओं से मुक्त होकर ज़िंदगी भय मुक्त जीवन जी सके। तो ये मेरा आगे का कार्यकाल ये रहेगा, कार्यप्रणाली। गुजरात में सेवा दे रहे हो, हमारे राजस्थान और वागड़ वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश दूंगा आपको कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे दिल से करो ताकि तनाव ना रहे, और तनाव से मुक्त होने के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ अपनी लाइफ के लिए कुछ टाइम दो। जैसे कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई गाना है, कोई नाच है या कोई भजन वगैरह जो उसमें आप मज़ा आता है वो काम करो ताकि उससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपका स्ट्रेस खत्म होगा और आपका जो इम्यूनिटी वो डेवलप होगा। और कुछ एक प्राणायाम, योग और कुछ एक आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा के आप अपने आप को तंदुरुस्त रखो ताकि कोई भी आने वाली भविष्य की बीमारी से आपको डरना ना पड़े और आप भय मुक्त और रोग मुक्त जीवन जी सको। बहुत ही कम उम्र में आपने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, हमारे युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहते हो? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आज के जो युवा है वो ज़्यादातर जो समय है वो मोबाइल इंटरनेट पे निकाल देते हैं, तो ये जो अपनी ज़िंदगी है वो बहुत ही बहुमूल्य है, तो उसका एक एक सेकेंड जो है वो अपन गुजार रहे हैं, वो वेस्ट हो रहा है। तो मेरा, मैं यही कहूँगा कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, वो पढ़ के मोटिवेट हो और अपना करियर बनाओ ताकि खुद का आप पैसा भी कमा सको और लोगों की मदद कर सको। दूसरा ये है कि आजकल के जो युवा है वो नशे की चपेट में आ जाते हैं, तो उसमें भी मेरा काम चल रहा है नशा मुक्ति का। तो ऐसे कोई युवा जो अगर इसकी चपेट में आ गए हों, उससे बाहर आना चाहते हैं, तो उसकी हम 100% मदद करेंगे और नशा मुक्त होने में, ताकि हम स्वस्थ एवं नशा मुक्त भारत का निर्माण कर सके। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे पटीदार जी ने कि नशा मुक्ति के लिए भी इन्होंने अभियान छेड़ा है, इनके लिए हम बहुत ही अच्छी बात करते हैं। और आगे के कड़े में हम कहना चाहते हैं एकता समाचार के माध्यम से आप किसी प्रकार की सेवाएं अगर लोगों तक पहुंचा सको तो वो क्या होगी? देखो, आज की तारीख में अगर आपकी पहुंच अगर वर्ल्ड वाइड यानी पूरे देश विदेश में अगर फैलानी हो तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो हमने एकता समाचार को इसका माध्यम समझा, उनसे जुड़े और मैं उनसे जुड़ा रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अपने जो दर्शक है, श्रोता है, उनके लिए मैं एक ऐसा एपिसोड लेके आऊँ, सीरियल्स ऐसा लेके आऊँ जो कि वीकली या तो हफ्ता में या महीने में एक बार, तो जिसमें मैं कोई एक टॉपिक पे चर्चा करूँ और फिर जो आधा टाइम है उसमें उनके प्रश्नोत्तरी करूँ ताकि लोगों का जो भी बीमारी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है तो उस पर उनका सॉल्यूशन, में उनका हल निकाल के दे सकूँ ताकि इसका जो लाभ है वो एक एक घर तक, घर घर तक पहुँचा सके। सर, आपका संपर्क सूत्र, ईमेल वगैरह डिटेल बताइए, अगर आपकी सेवा हमारे यहाँ वागड़वासी लेना चाहते हैं तो किस? जी, आप मेरा संपर्क सूत्र नोट कर सकते हो, 8460184678। मैं एक बार रिपीट करूँगा, 8460184678। और जो मेरा ईमेल आईडी है वो है dhanshyamclinic@gmail.com, ठीक है। और इसके अलावा जो वेबसाइट वगैरह, फेसबुक पेज की जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसे डिटेल से देख सके और आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसे यूटिलाइज़ कर सके। सर, आप में बहुत ही बड़ी रुचि है, हमें एक और जानकारी मिली थी आपके गाँव के, आपके मित्रों के जरिए कि आप जब यहां से, आपको जब ट्रेनिंग के लिए बुलाया और आपका सम्मान करने के लिए बुलाया तो आप प्लेन में गए थे, तो कैसा महसूस हो रहा था, इसके बारे में बताइए। सर, उस समय जब मुझे नॉमिनेट किया था कि गुजरात का प्रेसिडेंट, तो बहुत ही ज़्यादा मैं उत्साहित था, तो मैंने पहली बार मैं फ़्लाइट में बैठा था, तो उत्साह इतना था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने तात्कालिक फ़्लाइट बुक की और मैं दिल्ली पहुँचा। और दिल्ली पहुँच के जब अलग अलग, जैसे कि फॉरेन के भी कुछ लोग थे, अलग अलग स्टेट के, इंडिया के, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, वेल एजुकेटेड एंड प्रैक्टिस करने वाले आयुर्वेद और नेचुरोपैथ के डॉक्टर्स, तो मुझे इतनी अच्छा महसूस हुआ कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ और मैंने आज मेरा लेवल इतना उठा लिया है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई, डॉक्टर राजेश जी पाटीदार। पाटीदार जी, आपने इतना समाचार के माध्यम से हमारे दर्शकों को, हमारे यहाँ के वागड़ क्षेत्र के छोटे से गाँव में आप जन्मे और आपने जो जानकारी बताई, इसके लिए हम एकता समाचार के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। आगे की कड़ी में
हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। समाचार का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूंगा कि उन्होंने कीमती समय मेरे लिए दिया। और साथ में मैं ये भी प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं जैसे वागड़ में मेरा मंथली क्लिनिक रन करूँ, ताकि हर महीने मैं अपनी यहाँ पे ओपीडी चलाऊँ, ताकि जो भी लोग इन बीमारियों से, खास करके जो जीवन शैली की बीमारियाँ जैसे कि बीपी है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, कैंसर है, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, थायराइड, जो कि लाइलाज और बहुत ही खतरनाक मानी जाती है, तो ऐसे पेशेंटों का अपॉइंटमेंट बुक हो जाए और हर महीने में एक बार मैं यहाँ आके उनको ट्रीटमेंट दे के उनको बीमारी से मुक्त कर सकूँ। ऐसा भी हमें अभी बहुत ही जल्दी एक दो महीने में करने जा रहा हूँ। और एकता समाचार से मैं ये आशा रखता हूँ कि ये मेरी इस बात को, इस विज़न को काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचाए, ताकि उसका लाभ मैक्सिमम लोगों को मिल सके। और एक बार पुनः मैं आपका एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। प्रतिभा हमारे सामने थी, राजेश जी पाटीदार जी का जीवन संघर्ष में जुड़ा, इनके पिताजी का जीवन भी संघर्ष में जुड़ा। आज इन्होंने ये करके बताया कि जिंदगी में अगर कोई करना चाहता है तो वो कम नहीं है, ऐसी मिसाल पेश की। आज गुजरात में नाम कमा रहे हैं सर, गुजरात के चंद जगह आप जहाँ जहाँ आपने सेवाएं दी और जहाँ जहाँ आपको सम्मान मिला, अंत में ये चीज़ हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, होलिस्टिक हीलिंग ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन जो जिसकी मैं बात कर रही थी, वो फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑस्ट्रिया की, उसका हेडक्वार्टर है वहाँ पे। डॉक्टर कॉलीबली जो हैं, हार्वे डी कॉलीबली, वो इसके इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है। और इंडिया के अंदर दिल्ली की बात करें तो इसके जो राठी सर है, वीरेंद्र राठी, वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। और डॉक्टर साहिस्ता खान जो है वो इसके इंडिया के प्रेसिडेंट है। और मुझे गुजरात का प्रेसिडेंट और इंडिया का कोऑर्डिनेटर अभी मनोनीत किया गया है। सम्मान मिला है आपको दो दिन पहले, उस सम्मान के जरिए हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आपके एरिया में आ गए। इस सम्मान के बारे में बताइए, कैसा महसूस हो रहा? बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये छोटी सी उम्र में मुझे पूरे गुजरात का प्रेसिडेंट बना दिया। तो अब मैं गुजरात से मेरे जो भी डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के, जो जुनून रखते हैं लोगों को बीमारी और दवा से मुक्त करने का, तो उनसे संपर्क करके मेरी जो टीम है उसका मैं बढ़ाऊँगा और लोगों तक अपनी सेवाएँ ज़्यादा तक पहुँच सके, ऐसी मैं व्यवस्था करूँगा। हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें एक आपका परिचय हमने पूछा, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि एक जो है वो बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक हमारी अम्मा, उनको उनका भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट आपने किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, बीच में यहाँ पे अपने जाने माने हस्ती है वागड़ में, रुद्रेंद्र शेखर जी महाराज, जो कि कथावाचक है अपने सुजा जी के घड़ा में, तो उनकी जो स्थिति बहुत ही गंभीर थी, तो मुझे वहाँ के लिए मौका मिला था सेवा का, तो मैंने वहाँ उनके आश्रम में रह के 4 दिन उनकी सेवा करके फिर उनको बीमारी से मुक्त किया था कोरोना से, तो वो काफ़ी प्रसन्नित थे उससे। तो उसी दौरान जब मैं घर आया तो फिर एक जो माझी है हमारे घर के सामने, उनका लगभग 10-15 हज़ार खर्चा हुआ था और बहुत सारे रिपोर्ट्स कराई थी, और फिर ये कहा गया था कि आपको 10-15 दिन एडमिट होना पड़ेगा। तो उस बीच मैंने उनको भी विजिट की और महज 500 रुपये की दवाई से मैंने उनको 3 दिन में ठीक किया। तो जब कल ही मेरे घर पे आए तो उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की कि छोटी सी अमाउंट में ना तो मैं बीमारी से मुक्त हुई, बाकी पहले से भी मेरी अभी स्थिति जो बहुत ही अच्छी है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। सर, हमें एक और जानकारी मिली कि आप 3 दिन में शुगर खत्म कर देते हो, क्योंकि आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ है जो हमारे प्रधानमंत्री भी इस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बढ़ावा दे रहे हैं, और गुजरात में तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, राजस्थान में भी अच्छी है, तो शुगर के बारे में 3 दिन में आप कर देते हो? देखो सर, ये इसका क्या है कि मतलब कोई भी लाइफ स्टाइल की जो बीमारी है तो वो एलोपैथ में कोई इसका कोई इलाज नहीं है। ये एलोपैथ आपको आजीवन बीमार रखता है और आजीवन दवा पर डिपेंडेंट रखता है, ठीक है, पर हमने ऐसी व्यवस्था की कि आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। 3 दिन में सारे पेशेंट ठीक नहीं होते, लेकिन 3 दिन में लगभग 80% लोगों की दवाइयाँ अपन कम करके बंद कर सकते हैं। जैसे कोई इंसुलिन पे है तो उसका इंसुलिन अपन शुरुआत के 3 दिन में ही आधा कर सकते हैं। जैसे कोई 20 यूनिट लेता है तो उसे अपन 3 दिन के शुरुआत में ही अपन उसको 10 यूनिट कर सकते हैं, और धीरे धीरे टेपर करके फिर इंसुलिन बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ एक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका पैनक्रियाज या तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है या फिर वारसागत है, आनुवंशिक अगर पेशेंट है जिनकी खानदानी हो, तो वो बच जाते हैं, बाकी 70-80% लोग बीमारी से मुक्त हो जाते हैं डायबिटीज़ से। सर, आप इतना बड़ा विजन लेके चल रहे हो, तो कोई ऐसी बात या कोई ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके बारे में बताइए। हाँ देखो, दिक्कतें तो बहुत सारी आती है, जैसे कि आप अगर स्वदेशी को अगर प्रमोट कर रहे हो, स्वदेशी उत्पादन और साथ में आयुर्वेद है, योग है, जो कि अपनी पैतृक है, इंडिया की, भारत की संपत्ति है,
तो उसको प्रमोट करना और लोगों को ये समझाना कि भाई आप बीमारियों से और दवा से मुक्त हो सकते हो, तो बहुत सारे मुझे ऑब्स्टेकल इसमें दिक्कतें आती है। जैसे कि मैंने बीच में कोरोना के टाइम में एक ऐसा वीडियो बनाया था कि आप इससे, ये बिल्कुल मतलब छोटी सी दिक्कत है और आप 3 से 5 दिन में आप इससे मुक्त हो सकते हो, और मैंने किए भी। तो ऐसे जो चीज़ हैं उसको WHO, यूनिसेफ है, ICMR है, IMA है, तो ये जो एलोपैथ के जो प्रमोट करने वाले जो संस्था है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां है और लेबोरेटरीज़ है, तो उनका काफ़ी नुकसान होता है। तो ये लोग काफ़ी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रोड़ा अटकाते ही है। और मेरा जो WhatsApp अकाउंट है वो बीच में 15 दिन के लिए इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। तो अभी भी मैंने कुछ एक वीडियो डाले थे YouTube पे तो वो डिलीट हो जाते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने YouTube पे इलाज वाले करके मैंने एक चैनल बनाया है जिसमें ऐसी जानकारियां मैं शेयर करता हूं, लेकिन जो भी मैं ऐसी गंभीर बीमारी की कोई ऐसा दावा करता हूं तो वो लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका भी हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम जो चीज़ है उसके कोड वर्ड निकालेंगे। जैसे कोरोना वायरस है तो CV बोलेंगे, या जैसे लॉकडाउन है तो LD बोलेंगे। तो ये कुछ शब्द सेंसिटिव होते हैं जिससे YouTube चैनल खुद ही डिलीट कर देता, तो ऐसा नहीं हो और वो जानकारी लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप काफ़ी सम्मान से भी नवाजे गए और काफ़ी बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े आपके जो डॉक्टर्स लाइन में हैं उन्होंने भी आपका सम्मान दिया। तो इसके लिए अंत में हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आप जैसे बने हो, आपके पाटीदार समाज का आज नाम आपने कमाया है, तो हमारे यहाँ के युवाओं को भी आप अंत में क्या अपडेट देना चाहते हो? युवाओं के लिए मैं ये बोलूँगा कि जो युवा है वो शक्ति है, देश का जो भविष्य है उसके अंदर बहुत सारा जुनून है, टैलेंट है, तो उसको सही दिशा में दिखा के फिर अपना जो भविष्य बनाए और उस भविष्य के साथ साथ में लोगों की भी मदद कर सके, तो ये देश के लिए भी लाभान्वित होगा, समाज के लिए भी गौरवान्वित होने की बात होगी। और अगर उनको, अगर चिकित्सा क्षेत्र में अगर कोई रुचि हो तो मैं उनको जितना हो सके उतनी मदद करके उनका विजन क्लियर करके उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकूँगा ताकि वो खुद का भविष्य भी बना सके और लोगों की मदद भी कर सके, तो हम एज ए टीम बन के काम कर सके। तो ऐसा अवसर भी मैं देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, युवा भाई मुझसे जुड़े और इससे हम समाज की सेवा कर सके और फाइनली देश की सेवा कर सके। अभी सर वर्तमान में कहाँ? वर्तमान में गुजरात के मेहसाणा शहर के अंदर मेरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में, और वहाँ पे मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और 25-30 की मेरी OPD होती है और अच्छे खासे लोग सेकंड ओपिनियन कंसल्टेशन के लिए, बड़ी बीमारियों की फाइल वगैरह लेके मुझसे कंसल्टेशन के लिए आते हैं वहाँ पे। ये थे हमारे सामने डॉक्टर राजेश जी पाटीदार, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपके सामने पेश की, और काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा इस चीज़ को देखकर। हम एकता समाचार के माध्यम से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।